आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी न्यूट्री मैगी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल और बहुत ही ये टेस्टी बनती है, साथ में हेल्दी भी होती है। तो चलिए बनाते हैं मैगी। वेलकम टू अमेजिंग किचन रेसिपीज़। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैंने पानी रख दिया था मैगी को बॉयल करने के लिए, तो पानी में जब इस तरीके से उबाल आए ना तब इसमें मैगी डाल देंगे। तो मैं 2 पैक मैगी के डाल रही हूँ और मैगी को अब बॉयल कर लेंगे। ओवर कुक कभी भी मैगी को मत करिएगा, नहीं तो मैगी कभी भी अच्छी नहीं बनती है। तो बस मैगी को बॉयल कर लेंगे। तो बस 2 से 3 मिनट में मैगी अच्छे से बॉयल हो जाती है हाई फ्लेम में। तो यहाँ पे मैगी बहुत अच्छे से बॉयल हो गई है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है और इसे अब मैं स्टेन कर लूँगी। तो मैगी को अब मैं डाल रही हूँ स्टेनर में, और इसके बाद तुरंत मैं इसमें डाल दूँगी ठंडा पानी। इससे क्या होगा कि मैगी बिल्कुल भी स्टिकी नहीं बनेगी और जो इसका पकने का प्रोसेस है वो भी यहीं पे रुक जाएगा। और इसमें अब मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच तेल। तेल डालने से मैगी बिल्कुल अलग अलग रहेगी और खिली खिली बनेगी। तो 2 बड़े चम्मच मैंने तेल डाल दिया और इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल को मैगी में। तो बस यहाँ पर ये जो मैगी है ये तैयार है, इसे एक प्लेट में फैला करके रख देंगे इस तरीके से। और अब एक कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच तेल। अब तेल को गर्म होने देंगे और इसमें अब मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड गार्लिक। तो बिल्कुल बारीक कटी हुई आपको लहसुन लेनी है, मैंने यहाँ पे 3 से 4 लहसुन ली है। और थोड़ा सा इसे सौते करेंगे और अब इसमें मैं डालूँगी प्याज। तो प्याज को भी आपको इस तरीके से लच्छों में कट करके लेना है, और मैंने यहाँ पे 2 प्याज ली हैं मीडियम साइज़ की, इस तरीके से लच्छे में कट करके। तो ये मैंने अनियन डाल दी, अनियन को भी 2 मिनट तक सौते करेंगे अभी। तो आप अपने मनपसंद के वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं। तो बस 2 मिनट हो गए हैं अनियन को सौते होते हुए, और हाई फ्लेम में आपको रखना है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया गाजर, साथ में शिमला मिर्च और टमाटर। टमाटर को भी मैंने लच्छों में कट किया है और उसके सीड्स निकाल दिए हैं टमाटर के। तो सारी सब्जियों को हाई फ्लेम में सौते करेंगे और इसी के साथ में डाल देंगे न्यूट्री। तो यहाँ पे न्यूट्री यानी सोया चंक्स को मैंने पहले से ही बॉयल करके रखा हुआ है। तो ये देखिए मैंने 1 कप न्यूट्री ली है और इसे मैंने डाल दिया, और इसे भी अब हाई फ्लेम में सौते कर लेंगे। तो हाई फ्लेम में इसे अच्छे से सौते करेंगे। हाई फ्लेम में सौते करने से क्या होता है कि वेजिटेबल्स कुक भी हो जाते हैं और क्रंच भी बना रहता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से सौते हो गई हैं, फ्लेम मैंने हाई ही रखा है, और अब इसमें डालेंगे सॉसेस। तो इसमें 1 बड़ा चम्मच मैं डाल रही हूँ रेड चिली सॉस। इसी के साथ में अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच ही विनेगर। अब इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटो केचप। तो टमाटो सॉस या टमाटो केचप आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, सारे सॉसेज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, आपको कितना तीखा पसंद है या कितना मीठा चाहिए। थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया 1/2 टीस्पून जितना। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर यानी ब्लैक पेपर पाउडर, और इसी के साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट। तो सॉल्ट आप बहुत ज़्यादा ना डालें क्योंकि मैगी मसाले में भी रहता है, और अभी इसमें सोया सॉस डालेंगे उसमें भी सॉल्ट रहता है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं डालूँगी सोया सॉस। तो पहले मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि आप बहुत पहले डाल देते हैं तो क्या होता है कि सब्ज़ियाँ काली पड़ जाती हैं। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, थोड़ा कलर के लिए मैं डाल रही हूँ। और इसमें अब डाल देंगे मैगी। तो मैगी को इस तरीके से हाथों से ही मिक्स करते हुए डालें। ये देखिए मैगी बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, और इसे अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मैं एक और स्पैचुला ले लूँगी और अब बहुत अच्छे तरीके से मैगी को मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम मैंने हाई रखी है, हाई फ्लेम रखने से क्या होता है कि बहुत अच्छे से मैगी सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करेगी और बहुत अच्छा इसका टेस्ट हो जाएगा। तो बस सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है मैगी में, और अब इसमें मैं डालूँगी मैगी मसाला। आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं, बट मैं इस तरीके से हमेशा लास्ट में डालती हूँ। और अभी मैगी मसाला डाल दिया है तो एक बार और अच्छे से मिक्स करेंगे,
और बस यहाँ पे मैगी बन करके तैयार है। तो इसमें लास्ट में आप डाल देंगे ऑर्गेनो पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बट आप इस तरीके से लास्ट में थोड़ा सा डाल करके टेस्ट करें, बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा सा धनिया पत्ती डाला मैंने, ये भी ऑप्शनल है। अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम कर रही हूँ ऑफ, और गर्मा गर्म मैगी को सर्व करेंगे। तो आप भी इस तरीके से मैगी बनाइए, और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप अमेजिंग किचन रेसिपीज़ को कर ले सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।